दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर से नया गांव रेलवे स्टेशन के पास सड़क किनारे एक सूटकेस में 15 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया है। बच्ची के पेट में चाकू से हमला किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में नए गांव रेलवे स्टेशन के पास सड़क किनारे से एक सूटकेस बैग बरामद किया गया है, जिसमें से एक 15 साल की बच्ची का शव मिला है। अंधेरी की रहने वाली 15 साल की स्कूली छात्रा का शव शुक्रवार को नए गांव रेलवे स्टेशन के पास एक सूटकेस में कंबल में लिपटा मिला। मृतक छात्रा का नाम वंशिका कैन्याल राठौर है और गुरुवार दोपहर से ही लापता थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि बच्ची का स्कूल खत्म हो गया था और वो घर नहीं लौटी थी। काफी समय बीत जाने के बाद माता पिता ने अंधेरी थाने में इसकी सूचना दी। वालिब थाने के इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल ने कहा कि दोपहर करीब 3 बजे नए गांव रेलवे पुलिस की ओर से एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि एक नया गांव रेलवे स्टेशन के पास बने ब्रिज के पास झाड़ियों के पास एक सूटकेस बैग बरामद किया गया है, जिसमें एक लड़की का शव मिला है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बैग में लड़की की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक लड़की के पेट पर चाकू के घाव के निशान बने हुए थे। लड़की के शव के अलावा स्कूल बैग और यूनिफॉर्म भी मिला है। बैग में तौलिया और कुछ कपड़े भी थे। अंधेरी थाना के अधिकारी के मुताबिक लड़की गुरुवार सुबह स्कूल के लिए निकली, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। माता पिता ने देरी होने के बाद अंधेरी थाने में बेटी की गायब होने की सूचना दी। लड़की नाबालिग थी, जिसके कारण पुलिस को अपहरण का केस दर्ज करना पड़ा। पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है और सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ही। धन्यवाद।